हेलो गाइस, जेके स्टेडियम में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड जेके SSB ने एक नोटिफिकेशन निकाली है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, तो आप इसको खुद भी पढ़ें और मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगा कि इसमें क्या है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन OMR बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ रिगार्डिंग। ठीक है, जो आगे क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है इसमें। तो अगला पैराग्राफ है यहाँ पे, थ्रू द मीडियम ऑफ दिस नोटिफिकेशन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर हियर बार इश्यूड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ ऑन 27th, 28th ऑफ फेबरी एंड 1st मार्च 2021 फ्रॉम 12 noon to 2 PM अक्रॉस UT JK। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एग्ज़ाम 27th और 28th फेबरवरी और 1st मार्च को है, जो कि क्लास फोर्थ का है, वो एग्ज़ामिनेशन 12 बजे से 2 बजे तक है। ठीक है, पूरे UT में एक साथ ही एक ही टाइम है। तो आगे क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा ये पढ़ के बताऊंगा, जो भी मैं नहीं पढ़ूंगा उसको आपने क्या करना है, खुद इसको रीड करना है तो समझना है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ें, फिर आप एग्ज़ाम में जाएं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड लेटेस्ट एडमिट कार्ड हॉल टिकट। इसमें बताया गया है कि आपने क्या करना है कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर वो वेबसाइट भी लिखी हुई है। तो इसके बाद दूसरी बात है कि आपने क्या करना है कि टाइम एक आधा घंटा एग्ज़ाम को, अगर आपका एग्ज़ाम 12 बजे है तो आपने क्या करना है 11 बजे ही वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है, एक आधा घंटा पहले ही आपने वहां पहुंचना है, तो लेट नहीं जाना है। और आपने क्या करना है वो दूसरी बात जो है, द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपने ब्लू या ब्लैक पेन लेना है, अपने साथ लेना है, जेल पेन नहीं लेना है, वो अलाउड नहीं है। आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड चेक द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग टू एनी आंसर क्वेश्चन। आपने क्या करना है, जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसको अच्छी तरह से देखना है कि कोई क्वेश्चन जो है वो फटा हुआ नहीं है, सील तो नहीं उठी है, तो इसको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे क्या लिखा हुआ है, वो है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन OMR शीट बिफोर अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी होगी क्वेश्चन पेपर पे, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर फिल्स, जो भी OMR शीट पे सीरीज क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह लिखना है तो आराम से लिखना है। वहाँ पे वो जो बॉक्स होंगे तो आराम से उन बॉक्सों को भी फिल करना है, वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके आगे लिखा द कैंडिडेट्स मस्ट बी स्क्रैच और राइट टिक मार्क ऑन OMR शीट, मल्टीपल आंसर विल बी कंसिडर्ड एज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो आपने क्या करना है, एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, 2-4 ऑप्शनों पे टिक नहीं करना है। ठीक है, वो गलत क्वेश्चन माना जाएगा, अगर उसका आंसर सही भी होगा लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। आपने एक ही ऑप्शन पे टिक करना है जिसका भी आंसर आपने देना होगा। तो अगले पेज पे चलते हैं हम। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा खुद भी पढ़ें, जो मैं नहीं पढ़ूंगा आप खुद भी पढ़ें। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि आपने कैसे आंसर करना है, यहाँ पे करेक्ट मेथड जो है वो ये है, इस तरह से आपने जितने भी ये पहले दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवें नंबर पे इसी तरह से आपने टिक मारते हैं वहाँ पे। तो आप खुद यहाँ पे देखो कि डार्क सर्कल करना है वहाँ पे आराम से, तो सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे जैसे ये आधा ऐसे नहीं लिखना है, वहाँ पे पूरा गोल देना है। ठीक है, वो लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डार्क सर्कल वहाँ पे करने हैं आराम से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपने 1-2 ऑप्शंस पे टिक किया होगा तो वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखो यहाँ पे कैसे उन्होंने लिखा है, तो कैसे उन्होंने टिक किया है, तो इस ये जो ये वाला सही ऑप्शन है और ये वाला जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से आपने वहाँ पे टिक करने हैं।
आगे लिखा द कैंडिडेट्स एडवाइजिंग प्रॉपर डिसिप्लिन, आपने वहाँ पे रखना है ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से वहाँ पे बैठना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे द कैंडिडेट शल नॉट एंगेज देमसेल्फ इन स्लाइड टेकिंग विच वुड डिस्टर्ब द एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका एग्जामिनेशन में किसी को भी डिस्टर्ब हो, ऐसा काम कुछ भी नहीं करना है आपने। अच्छा, तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो अगली बात है क्या, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ वाशरूम ड्यूरिंग द एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट इन एमरजेंसी कॉज्ड बाय हेल्थ बट इन केस ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको वहाँ पे बाथरूम नहीं दिया जाएगा जाने, ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान आप बाथरूम नहीं जा सकते हो। आगे अगर हम देखें तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द क्लासरूम एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द क्यूमुलेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, 2 घंटे से पहले आपको अंदर से नहीं छोड़ा जाएगा बाहर, चाहे आपका एग्ज़ाम पहले ही ख़त्म क्यों ना हो, लेकिन आपको बराबर टाइम पे बाहर छोड़ा जाएगा। आगे क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, द कैंडिडेट शाल मार्क दियर अटेंडेंस ऑन द अटेंडेंस शीट बाई पुटिंग हिज आर हर सिग्नेचर अगेंस्ट इज हिज हर नेम, तो आपको वहाँ पे एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, तो उस पर आपने क्या करना है, साइन करना है। मेरी ये राय है आपसे, अगर आप वहाँ आपको नहीं मिलेगी वो, आप खुद वहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर होगा उससे आप कहना कि हमारी अटेंडेंस जो है वो अभी तक नहीं हुई है। आगे लिखा है कि आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने अंदर साथ नहीं लेनी होगी, कैंडिडेट्स नॉट अलाउड टू कैरी एनी, क्या क्या नहीं लेना है आपने वहाँ पे, ये मैं आपको बताऊँगा आपने कौन कौन सी चीज़ें अंदर नहीं लेनी है, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, पेपर्स, नोट्स, बुक, स्कैनिंग डिवाइसेस, पेजर्स, हेडफोन, एयरफोन, लैपटॉप, आईपैड, टेबल, पीसी एंड और अदर कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर एट एनी सर्कम, किसी भी हालत में आपने ये चीज़ें जो है ये अंदर नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको अंदर ये चीज़ इनमें से कोई भी चीज़ दिखाई दी तो आपका जो एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल है ही, और आपको कुछ साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कैन कैरी राइटिंग पेड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है, तो आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें भी लेनी है साथ, वो क्या है, तो सैनिटाइज़र आपने साथ लेना है वहाँ पे, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपने वहाँ पे लेनी है। तो आगे क्या लिखा है इसको, इस पे आप खुद भी इसको देखना, तो जो बाकी रहा तो आप इसको खुद भी पढ़ें, अच्छी तरह से रीड करना, फिर आप वहाँ पे जाना। और एक बात, आपने अपने साथ क्या लेना है, एक आईडी प्रूफ लेना है, ठीक है, आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से आप कोई भी कार्ड जो है वो अंदर ले सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर हैं, अगर आपको कुछ भी राय लेनी होगी, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कुछ नंबर हैं, ठीक है, तो जम्मू डिवीज़न के लिए 2 नंबर हैं और कश्मीर डिवीज़न के 2 नंबर हैं, आप इन पर कॉल करना। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद।